So, I'll take to the third level of udaan. Is formula ko yaad rakhiye bas. Ye jo nachta hua aaya hai. E plus R is equal to O. Ye slide pehle wali slide ka hi second part hai. Ek tarike se. E plus R is equal to O. Jor se bolenge mere saath. E plus R is equal to ओ, ये बला क्या है? ये खतरनाक है यार. योर रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन मेक एंड ब्रेक योर लाइफ. ई मतलब इवेंट, आर मतलब रिस्पॉन्स, एंड ओ इज इक्वल टू आउटकम. क्या बोले? ई मतलब इवेंट, आर मतलब रिस्पॉन्स, एंड ओ मतलब आउटकम. किसी भी इवेंट पे आपका रिस्पॉन्स उसके आउटकम को डिटरमाइन करता है. किसी भी इवेंट पे आपका रिस्पॉन्स उसके आउटकम को. बात समझ में आई? क्योंकि इवेंट सबके लिए करीब करीब एक जैसे होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स सबके उसी इवेंट पे अलग अलग होते हैं, इसीलिए आउटकम सबका अलग अलग आता है. समझाता हूं कैसे. ये मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं. ये 9 दिसंबर 1914 की न्यू जर्सी यूएसए की फोटो है. दिस फोटोग्राफ इज ऑफ 9th of December 1914 न्यू जर्सी. ये करीब करीब 10 बिल्डिंग आग में चली गई एक साथ. 10 बिल्डिंग एक साथ आग लग गई, और ये आग जिसकी बिल्डिंग में लगी उसका नाम इस दुनिया में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कुछ समय के बाद. और उस व्यक्ति का नाम था थॉमस अल्बा एडिसन. थॉमस एडिसन वो व्यक्ति थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया. हेलो, है जिनकी वजह से हम रोशनी में बैठे हैं आज. 10,000 टाइम ही एक्सपेरिमेंटेड, 9,999 टाइम्स फेल हुआ, और 10,000 बार इसने कामयाबी हासिल करी. तो 9 दिसंबर 1914 के अंदर इसकी 10 फैक्ट्रीज में आग लग गई, और पड़ोसियों ने, ग्रामीणों ने दरवाजा खटखटाया, थॉमस 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 चिल्लाया, और थॉमस चिल्लाते चिल्लाते थॉमस बाहर आए. थॉमस जब बाहर आए तो लोगों ने बोला, थॉमस तुम्हारी प्रयोगशाला जो 10 बिल्डिंग में फैली हुई थी उसमें आग लग चुकी है. थॉमस का लड़का 24 साल का चार्ल्स उनके साथ रहता था. बिल्कुल दोनों बाहर आ गए, और धूं-धूं करते हुए उसने अपने सामने अपने सपनों को जलते हुए देखा, क्योंकि उसमें उसकी जिंदगी की सारी कमाई, सारी की सारी मेहनत लगी हुई थी. और थॉमस अपने बेटे का, चार्ल्स का हाथ पकड़ के उस बिल्डिंग को गौर से देखते रहे, और चार्ल्स को थॉमस ने कहा, अपनी मां को बुला के ला. तो चार्ल्स ने बोला, मां क्या करेगी? थॉमस का जवाब सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके. थॉमस कहता है, चार्ल्स अपनी मां को देखने तो देख, आग कितनी शानदार दिखती है. तो चार्ल्स ने बोला, पापा हमारा सब जल गया, हमारी सारी मेहनत जल गई. बाप का जवाब सुनिए, और गलतियां भी, और गलतियां भी. शाम को न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर थॉमस एडिसन का इंटरव्यू कर रहा है कि आपको कैसा लग रहा है. उसने बोला, हां मैं 67 इयर्स का हो गया हूं आज. आज मेरी उम्र 67 साल है, थक गया हूं, बुढ़ा हूं, लेकिन एक बात तो मैं तुझे ईमानदारी से बताना चाहता हूं. उसने बोला, यस सर, कल से फिर शुरू करूंगा. इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम, माई डिफरेंस. इसी इवेंट पे कोई और होता तो उसका रिस्पॉन्स कुछ और हो सकता था. हेलो, इसी इवेंट पे कोई और होता तो उसका रिस्पॉन्स कुछ और होता तो आउटकम कुछ और आता. लेकिन इसी इवेंट पे थॉमस एडिसन का रिस्पॉन्स कुछ और था, और आउटकम ये है कि मैं और आप रोशनी में बैठे. इवेंट वही है, रिस्पॉन्स अलग होते हैं लोगों के. कौन परेशान नहीं है? सब परेशान है. मैं नया नया नेटवर्क मार्केटिंग में आया, 14 लोगों ने चमका दिया मेरे को. हाँ जी, स्कूटर था मेरे पास 5257 NB, दौड़ाता था मैं स्कूटर पे. और मैंने 5 साल दिल्ली फरीदाबाद में स्कूटर चलाया जनाब.
रिजर्व में चलता था अधिकांश तौर पर पैसा जो नहीं होता था, फ्लाईओवर के ऊपर बंद कर लेते थे कि साला नीचे आएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी बोलते थे हम उसको। हाँ जी, अब हंसो मत, तुम भी ऐसा करते होगे, निकम्मो हमारा मजाक उड़ाते हो तुम। सो 14 लोगों को हमने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस दिखाया, नेस्टिस के बारे में बात करी, और 14 लोग बोले यू नो डोंट वांट टू जॉइन इट। मन मेरा भी किया कि छोड़ दो, कौन सी आग लग रही है। एक बात दिमाग में आ गई, साला उसने सब कुछ बदल दिया। मैंने कहा अगर आज छोड़ देता हूं ये 14 लोग जिंदगी भर ताना देंगे, ये बोलेंगे और करोड़पति बन गया। तो मैंने कहा अब नहीं छोड़ूंगा, अब करना और ज्यादा जरूरी है, अब करना और ज्यादा जरूरी है कि इन 14 को दिखाऊंगा कि मेरा लिया गया डिसीजन सही था। तो इवेंट बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक जैसे रहते हैं दोस्त, लेकिन उसके रिस्पॉन्स से उनके आउटकम बदल जाते हैं। बात समझ में आती है तो बोलो हाँ। कुछ और हजार साल पहले आपको लेकर चलता हूं, समय काल त्रेता युग रामायण काल एपिसोड श्री राम वनवास, ये मेरा फेवरेट है यार, इसके बिना तो मेरा पत्ता नहीं हिलता, मैं करूं क्या करूं, सीखने को इतना कुछ है। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, हम लोग पढ़ते हैं मार्केटिंग के गुरु फिलिप कॉटलर को, हम लोग पढ़ते हैं कभी कभी, आप लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट कियोसाकी को, कभी कभी आप पढ़ते हैं जैक कैनफील्ड को, दुनिया भर के स्पीकर्स को आप पढ़ते हैं। मैं कहता हूं तुलसीदास जी से बढ़िया ऑथर इस दुनिया ने पैदा ही नहीं किया, तुलसीदास जी से बढ़िया ऑथर। और अगर आप उसको ठीक से पढ़े तो साला इन अंग्रेजों को पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। सीखने का क्या जरूरत है, देखो बार बार बोलता हूं इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। ये वो सिचुएशन है जहां मंत्री सुमंत्र, जो भगवान राम की अयोध्या में मंत्री थे जिनका नाम सुमंत्र था, वो कैकई और राजा दशरथ के महल में प्रवेश करते हैं। कैकई अपना कोप भवन में बैठी हैं, बाल खोल रखे हैं, काले कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, हाथ से आभूषण उन्होंने गिरा रखे हैं, और महाराज दशरथ जमीन पर पड़े हैं क्योंकि कैकई दो वर मांग चुकी है। पहला वर में 14 साल के लिए राम को वनवास, और दूसरे वर में भरत को राज तिलक। अब ये दो वर सुन के राजा दशरथ को बिल्कुल बहुत शौक लगा और वो जमीन पर पड़े हैं, है ना। अब कैकई ने मंत्री सुमंत्र को बोला राम को बुला के लाओ। मंत्री सुमंत्र राम के कक्ष में जाकर बोलते हैं कि माता बुलाती हैं। राम अपना सब काम छोड़ के, क्योंकि अगले ही दिन क्या मिलने वाला है, राज तिलक, भागे भागे जाते हैं पिता दशरथ के कक्ष में जहां पर माता कैकई साथ में है, और उन्होंने पहली बार अपने पिता को ऐसी दयनीय स्थिति में देखा कि पिता जमीन पर लेटे हैं और मां सर पर खड़ी है। तो राम अपनी माता से पूछते हैं पिताजी का ये हाल क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, इनको क्या तकलीफ है। तो मां ने बोला तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, ये मोह में बंध गए हैं, ये धर्म संकट में फंस गए हैं, और धर्म संकट का कारण भी तुम ही हो। तो राम ने बोला मैं कैसे इनकी विपत्ति दूर कर सकता हूं, समस्या क्या है। तो मां ने बोला कभी इन्होंने मुझे दो वर दिए थे, आज मैंने मांग ली तो इनको तकलीफ हो रही है। तो राम ने पूछा क्या वर मांगे, तो इन्होंने बोला मैंने मांगा कि 14 बरस के लिए तुमको वनवास और भरत को राज तिलक। इन बातों से ये दिल पे लेके बैठे हैं इनको, बस इतनी सी बात। कितने साल के लिए भेज रहे थे, हाँ राम ने चार शब्द बोले सर, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात पे पिताजी परेशान है। इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। इस रिस्पॉन्स ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बना दिया, इस रिस्पॉन्स ने, सिर्फ इस रिस्पॉन्स ने। वो अगर बोलते मैं क्यों जाऊं, वर मैंने दिए ना, मैंने दिए ना मैंने लिए, और भाई कसूर बताओ, कसूर क्या है, मेरा फॉल्ट तो बताओ। तो बोलते फॉल्ट तो कुछ नहीं, बस तू जा, तो आप तो साला कोर्ट के स्टे ले आते। भाई तुमको अगर बोला जाता कि तुम यहां से पैदल घर ही चले जाओ, बस कुछ मत करो, गाड़ी घोड़ा यहीं छोड़ो, 4 दिन बाद गाड़ी मिलेगी, पैदल घर जाओ, तुम तो मेरा गला काट दोगे अभी। तो बोले तेरे बाप के नौकर हैं हम। इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम माय डियर फ्रेंड्स।
मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, इवेंट आपकी जिंदगी को कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक मैच्योर रिस्पॉन्स हो। इवेंट आपकी सिचुएशन को कभी खराब नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक मैच्योर रिस्पॉन्स हो। और 95% लोग हमेशा इमैच्योर रिस्पॉन्स देते हैं उस सिचुएशन को और उसको और बिगाड़ देते हैं। स्थिति खराब कम होती है, आपकी हरकतें उसको और ज्यादा खराब कर देती हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, टेंशन में आ जाते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, 75% मेडिकल दुकानें तो खामा खाही चल रही हैं क्योंकि आप टेंशन में हो। ये दुकानें बंद हो जाएं अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स ठीक हो जाए, तुम्हारी टेंशन। और देखो, प्रॉब्लम तो आज रहेगी कल नहीं रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम के कारण जो बीमारी आ गई साली, वो जिंदगी भर रहती है। टेंशन ली, शुगर हो गई। जिस कारण टेंशन ली थी वो तो साला 3 दिन में खत्म हो गई, शुगर साली परमानेंट होगी। लो कर लो काम, है ना। कहते हैं आज वही आज है जिसकी फिक्र तुमको कल थी, आज वही आज है जिसकी फिक्र तुमको। कुछ हुआ क्या तो मस्त रहो यार ना। फिर इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सिचुएशंस कभी भी फेवरेट नहीं होती, सिचुएशन एडवर्स ही होती हैं यार। जिंदगी आसान होती तो फिर बात ही क्या थी, जिंदगी आसान होती तो बात ही क्या थी। आपका जब जन्म हुआ तब क्या आसान प्रोसेस था? माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसेस। लेडीज को मैं सम्मान करता हूं, इट्स नॉट इजी माय डियर फ्रेंड्स। आप डिलीवरी देख नहीं सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में होती है, पति को अलाउ किया जाता है डिलीवरी देखने के लिए। और जो पति अपनी वाइफ की डिलीवरीज देखते हैं, प्यार 100 गुना बढ़ जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आसान तो नहीं है ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। मैं फिर कह रहा हूं, इवेंट सबके लिए जिंदगी में वही होते हैं, रिस्पॉन्स जो आप देते हैं उससे आउटकम चेंज हो जाता है। तो जिंदगी में कुछ भी तकलीफें आए तो रिस्पॉन्स आपका शानदार होना चाहिए। बात समझ में आ रही है तो बोली हाँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो, लाउड एंड क्लियर।